सब्सक्राइब कीजिए कार ऑडियो इंडिया चैनल को और साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपका दोस्त करण भी फ्रॉम कार ऑडियो इंडिया। सबसे पहले हम तमाम दोस्तों का शुक्रिया, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, प्यार भरा अपना फीडबैक देते हैं। ये एक बिल्कुल कॉमन सी वीडियो लाया हूँ। आप दोस्त मेरे से पूछते हैं कि होम थिएटर को हम गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको किस तरह यूज़ करना है, कैसे लगाना है, क्या सर इसकी आउटपुट अच्छी आएगी और क्या इसकी बेस बार आएगी, मतलब कितना फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अगर मैं इस बारे में बात करूं तो चलते मैंने देखे भी हैं, सुने भी हैं, मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं लगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप कोएक्सल ही अगर ज़्यादा पावरफुल लगवा लें वो उससे ज़्यादा बढ़िया बजेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट है। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको कुछ नहीं करूँगा, कोई बता रहा हूँ, ये जस्ट एक वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ताकि आपको क्लियर हो जाए वो चीज़। अगर बेशक आप वीडियो को देखना चाहते हैं, एंड तक देखें, समझें, अगर नहीं है तो आपको क्विट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग देखते हैं, देखते आ रहे हैं, जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, नॉलेज है, देखिए वो तो बिल्कुल ही जी जाके बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले अगर ये जो मैंने सब ऊपर निकाला, ये होम बेसिकली होम थिएटर का ही है, 2.1 का, जो होम थिएटर क्रिएटिव का 2.1 होम थिएटर आता है। और सबसे पहले होम थिएटर को चलाने के लिए आप ये गाड़ी पे देख पाएंगे, यहाँ पर एक मॉड्यूलेटर है, ये देख सकते हैं मॉड्यूलेटर है इसका, थोड़ा यहाँ से खुलता है। ये बेसिकली ये मॉड्यूलेटर, ये बेसिकली चार्जर है, ये मैं लगाता हूँ और ये यहाँ से ये लाइट आ जाती है। तो यहाँ पर एक इन्होंने कन्वर्टर तैयार करा हुआ है, बेसिकली 12 वोल्ट्स टू 240 एसी। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, अगर आप उसे मॉड्यूलेटर से सपोज कीजिए, यहाँ पर आपने 12 वोल्ट, ये तो 12 वोल्ट का मॉड्यूलेटर यहाँ लगा के, यहाँ पर 220 वाला एक प्लग आ जाता है, प्लग आप लगाओगे, ठीक है। और पहली बात तो होम थिएटर कहाँ रखोगे, होम थिएटर अगर इस सीट के नीचे रखोगे आएगा नहीं, साइज़ बड़ा है। अगर वो स्पीकर्स जो साथ मिलते हैं उनकी वायर्स कितनी बड़ी होती है, अगर आप एक वायर, एक स्पीकर उस कोने पे लगा रहे हो टॉप पे और एक स्पीकर यहाँ पहुँचाओगे, वायर ही नहीं आएगी, वायर काटनी पड़ेगी आपको, बेवकूफ़ी है। उससे अच्छा आप एक काम और कर सकते हैं, अपने होम थिएटर का सबवूफर निकाल लिया, इसको आप अंडर सीट बना सकते हैं। इतना बड़ा साइज लिया, उस पर लगाया, हवा हुआ निकालने के लिए होल वोल बना दिया, चलो ठीक है। अगर आप वही बॉडी यूज़ करते हो, वही बॉडी इनबिल्ट यूज़ कर लिया, ठीक है, हो गया। और यहाँ से आप एक प्लग लो, प्लग लेओगे यहाँ से, ठीक है, प्लग लेके वायर अंदर अंदर निकालोगे। सबसे पहली बात तो वो चीज़ गाड़ी में लगी हुई अच्छी नहीं लगेगी, पूछो क्यों, क्योंकि अगर एक बंदा गाड़ी में देखता कला कहता है यार प्लग प्लुग लगा रखे हैं इसने, क्या पे जो जाली का काम करा हुआ है ना। और उसके बाद अगर आप इसको अंडर सीट बनाते हैं, कितनी परफॉर्मेंस आएगी, देखो अगर मैं बात बोलूँ, परफॉर्मेंस आएगी, लोज़ नहीं सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे, क्योंकि ये 40-45 के ऊपर की फिफ्टी हर्ट्स के ऊपर ही सुना पाएगा आपको, ये इतना लो डीप नहीं जाता, इतनी इनकी पावर नहीं है, इतना इनमें लोज नहीं है। अगर आप इसको लगाओगे तो ऐसे ही, अगर आपने इसको लगाना है, मतलब मान लीजिए एक पीछे आपने, मान लीजिए बिल्कुल सेंटर पे मैंने वो जहाँ ट्राईपोड रखा हुआ है इसको वहाँ पर लगाना है, थोड़े बहुत ऐसे ही कि यार मैंने गाने गुने सुनने हैं वगैरह, हल्की सी बेस के लिए, तो थोड़ा बहुत आपका ये काम चला देगा, ये नहीं कि बहुत फ़र्क डालेगा, थोड़ा बहुत काम चला देगा। देखिए, मैं तो आपको बोलूँगा ये पंगे में आप मत ही पड़े तो ठीक है, अगर आप वो, सॉरी एक चीज़ और, अगर मैं बताना भूल गया, अगर आप वो कन्वर्टर लोगे 1400-1500 का कन्वर्टर है वो, 12 वोल्ट टू एसी, ठीक है, 1400-1500 में ओलेक्स में ऐसी दो चैनल एम्पलीफायर मिल जाएगा, वायरिंग किट डालो, यहाँ से डालो, एक स्टीरियो को वायर दो, वायर किट डालो, एक बैटरी से लो, यहाँ से निकाल के पीछे से डिग्गी, या फिर यहाँ नीचे इसके एम्पलीफायर रख लो सीट के, तो वो ज़्यादा बेटर है दोस्तों। फिर उसके साथ अगर लगता है आपको नहीं इतनी बेस चाहिए, इसका एक छोटा सा बॉक्स बनवा लो, अंडर सीट बनवा लो, चला के काम चला लो, आपको अगर नहीं इतनी बेस चाहिए। मैं ये नहीं कहता ये इसमें मज़ा नहीं आएगा, मज़ा आएगा, पर उस लेवल का मज़ा नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं, मतलब जो आपको चाहिए, गाड़ी शेक होनी चाहिए, लो बेस का प्रॉपर फील आना चाहिए, वो ये चीज़ नहीं आपको दे पाएगा, ये इतना सुना ही नहीं पाएगा आपको। मैं आपको बता रहा हूँ 50 के ऊपर साउंड करेगा, 50 हर्ट्ज़ के नीचे इसका कोई रिस्पांस नहीं है, बस इसमें ढोल की तबला तुबला पूरा अच्छे से वो दुख दुख आएगी तबले की, और लोज पे ये नहीं साउंड नहीं बना पाएगा,
इन चक्करों में मत पड़े, आप सिस्टम लगवा लें टू चैनल एम्पलीफायर या बेशक देसी सब वूफर लगा लें 1400-1500 का, ठीक है। अगर ये भी लगाओगे इसको एज अ अंडर सीट के लिए रख लें तो बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है दोस्तों। आप दोस्त काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि सर होम थिएटर लगाना है गाड़ी पे, ऐसे मत करें, कोई ज़रूरत नहीं, आप मत करें इस चीज़ को, कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा आप दो चैनल एम्पलीफायर लेके एक वो सिस्टम ही लगवा लें तो ज़्यादा बेटर है, क्यों आपने वो अपना होम थिएटर ख़राब करना है ना। बहुत चीज़ें होती हैं देखो ना, कई कई बंदे कईयों का इतना बजट नहीं होता, कई जिनके पास है वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं नए नए, है ना, बहुत चीज़ें होती हैं। चलिए दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो थी, बिना कोई ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करते हुए तकरीबन 5.5 या 6 मिनट की वीडियो आसपास होगी। जाते जाते दोस्तों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, कार ऑडियो इंडिया मेरा चैनल नहीं आपका चैनल है, आपने सब वीडियो को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना, कमेंट करना, अपना प्यार भरा फीडबैक देना। ओके दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।